अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर के कोने कोने में विरोध चल रहा है और विरोध की आग इतनी बढ़ गई है कि इस विरोध की आग में ट्रेनें भी फूकी जा चुकी हैं। इसी बीच आपको बता दें, विपक्षी नेता भी इस स्कीम को लेकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। शनिवार को उन्होंने कहा है कि मुझे दुख है कि सरकार ने आपकी आवाज को नजरअंदाज किया और कई नई योजनाओं की घोषणा कर दी जो कि पूरी तरह से दिशाहीन है। मैं आप सभी से अहिंसक तरीके से शांतिपूर्वक विरोध करने की अपील करती हूं। आपको बता दें, सोनिया गांधी ने कहा है कि इस योजना का विरोध सही है, लेकिन इस विरोध को हिंसक ना करें, इस विरोध को हिंसक तरीके से ना किया जाए जिससे कि देश की संपत्ति का भी नुकसान ना हो। देखा जाए तो विपक्षी दल भी इस स्कीम का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार हर तरह का प्रयास कर रही है जिससे कि युवाओं की आवाज को सुना जा सके और उनकी मुसीबतों को हल किया जा सके, लेकिन अभी तक इन सब चीजों का विरोध जारी है। लेकिन ये हिंसक विरोध कहाँ तक ठीक है? जब कोई इंसान देशभक्ति करना चाहता है तो देशभक्ति के बीच देश की संपत्ति को जलाना कहाँ तक ठीक है? ये सवाल हर देशवासी के मन में आ रहे हैं। लेकिन अभी के लिए केवल इतना ही, और ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।